अरे अरे भाई 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 आराम आराम से काम। बालों की, बॉडी की, मशीन की, सब की ऐसी तैसी हो गई है। इट्स रियली टफ मैन, इट्स रियली टफ। बहुत ज़्यादा हार्ड है, हार्ड, बहुत ही हार्ड, बहुत ही हार्ड। तो भाई मज़ा आ रहा है, स्पीति राइड का आ रहा मज़ा, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। सो आज राइड का 7वां दिन है और अभी तक राइड में ऐसे ऐसे कांड हुए हैं देखे ही होंगे ब्लॉग्स में आपने। तो एक्सपीरियंस अमेजिंग रहा है अभी तक। बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा हमें, और बर्फ़ में चलाई, ठंड में चलाई, बारिश में चलाई, स्नो में चलाई, मुझे महसूस नहीं हुआ मैं जानवर है ये जानवर। बाकी मज़ा आ रहा है। आगे भी और 2 दिन हम काजा में रुकने वाले हैं, आज के दिन और कल के दिन। तो वहाँ पर कुछ एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद फिर हम कोली की तरफ भागेंगे अपने घर की तरफ। तो अभी हम कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट ताबो में, बिट्टू होमस्टे में, और ये रही हमारी चाय गर्मा गर्म। मैं तो भूल ही गया था चाय, ये बनाया ब्रेड, ब्रेड ये तुम भी देखो ब्रेड। तो ये है पैनकेक, अभी दिखाया था मैंने, वैसे पैनकेक लग रहा है। और ये रही स्पितियन ब्रेड। बाकी आप बालों पे ना जाइएगा, बाल यहाँ पर खराब ही रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। मतलब कि नोमैड की जिंदगी चल रही है, भाग रहे हैं, बस यही चल रहा है। जहाँ तक एडवेंचर का सवाल है वो भरपूर मिल रहा है पैर तोड़ाया हमने दूसरे दिन ही ना, हाँ, ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। रियलिटी में तीसरा दिन है। और वैसे अगर आपने पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिएगा भाई साहब। मतलब आपने ऐसे व्लॉग्स नहीं देखे होंगे, मतलब कि अमेजिंग, अमेजिंग से भी ऊपर वाले अमेजिंग है। तो फटाफट अपना ये ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं। सो गाइस, आज का दिन स्टार्ट कर रहे हैं हम ताबो से। तो ये था हमारा रूम रात को जहाँ पर हम सोए थे। काफ़ी अच्छा रूम है और अच्छा खासा कोजी था। रात को रज़ाई, कंबल, सारी चीज़ें थी, पानी वगैरह भी लिया। और अब चलते हैं थोड़ा सा बाहर, आपको जो बाहर का नज़ारा है वो मैं दिखाता हूँ। चलो जी बाहर। ओ हो सर में लगी गेट थोड़ा सा नीचे है यहाँ का, इसीलिए लग गई। हेलमेट पहना हुआ है तभी बच गया, नहीं तो हो जाता कांड। तो बाहर का नज़ारा देखिए, सांस फूल रहा है। ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है। इधर पहाड़ों पर बर्फ़ है, इधर सूरज निकला हुआ है। मौसम काफ़ी अच्छा है। आई होप कि आराम से हम काजा पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर धक्का मार स्टार्ट प्रोग्राम चल रहा है कि स्टार्ट हो जाए। जगह थोड़ी सी कम है यहाँ पर, इससे दिक्कत है। पता नहीं मेरी स्टार्ट होगी या नहीं होगी। आराम से आराम से, हो गई हो गई। जय माता दी, हो जाइए स्टार्ट। 1 2 3। ना भैया ना, ये ना हो रही। देखो भैया, यहाँ पर बैठने वाला एक पॉट बना रखा है 3 डेट वाला बैठना, किसी ने आ जाना, जल्दी से आ जाओ नहीं तो ये पिघल जाएगा। तो भाई साहब यहाँ से हम बाइक धक्का मार के निकाल रहे हैं, स्टार्ट तो हो नहीं रही है। सीन देख लो, ये हो रहे हैं एडवेंचर। चलो चलो जी चलो, आगे आगे आगे, थोड़ी और आगे। हाँ मार एक बार, चल चलो। हाँ सांस फूल गया, फट गई भाई साहब। सो ये देखिए, एक बार मैं आपको टाबो जो मोनेस्ट्री है थोड़ा सा दर्शन करा देता हूँ। ये देखो, ये है टाबो मोनेस्ट्री। ये देखो, टाबो मोनेस्ट्री। तो ये रही चौटन, देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत बना रखी है यार, बहुत ही अमेजिंग है। चलो अब बढ़ते हैं अपनी बाइक की तरफ। अरे वाह, इसकी तो हो गई। बढ़िया बढ़िया, चलो एक तो हुई। इंजन पे डालो थोड़ा। ये देखो, वैसे तो यहाँ पर तो इंजन है नहीं, इस पे डाल देते हैं। ये हो गई भाई साहब, हो गई। नहीं, दूसरे में भी हो जाती है क्लच दबा के। अब इसको बंद नहीं करूंगा, थोड़ी देर ऐसे ही एक्सीलेटर दे के रखता हूँ थोड़ा। मुबारक हो। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। मिलते हैं सर दोबारा। ओके चलो, डन डन डन, बाय बाय। तो यहाँ पर भी सब जगह बर्फ जमी हुई है। चलो जी, जय माता दी। हाँ, आपकी यात्रा मंगलमय हो, बाय बाय। कल भी मैं बोल रहा था कि काजा पहुंचेंगे, लेकिन पहुंच नहीं पाए। अच्छा ही हुआ यार वापसी आ गए, नहीं तो रात को बर्फ में चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता, ऐसी तैसी हो जाती। सीन देखो, आगे इधर से निकलते थोड़ा कोने में से, पूरा का पूरा आइस जमा पड़ा है यहाँ पर। ओहो, गई 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 गई, फिसल रही है बाइक। चलो जी, धीरे धीरे बढ़ा जाए आगे की तरफ। दूसरा कैमरा लगाया मैंने, ये GoPro Hero 7। GoPro Hero 6 की तो ऐसी तैसी हो गई, ठंड के कारण हुई है, पता नहीं गिरने के कारण हुई है। ये वाला जो GoPro है, ये भी बीच बीच में बंद हो जा रहा है, बोला बिल्कुल नहीं जा रहा। ठंड बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा। तो कल का व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, इससे पिछला व्लॉग एक्चुअली। मनाली यहाँ से 253, लोसर 90, की गोम्पा 40। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रोड पर बर्फ़ जमी हुई है, एक्चुअली ब्लैक आइस है, जिसको कि आप शीशा भी बोल सकते हैं। शीशा, जो लोकल भाषा में लोग बोलते हैं शीशा। और कितनी ज़्यादा बर्फ है यहाँ पर। ये देखो, पानी, बर्फ, स्लश। और अभी तो आगे और आने वाला है, जैसा कि लोकल बता रहे थे कल कि। ओहो हो, फिसली फिसली, बच गई बच गई। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, पूरा जमा हुआ है पूरा। ये जो पानी आ रहा है ना आधे से ज़्यादा जमा हुआ है। शिचलिंग यहाँ से रह गया है 8 किलोमीटर। तो ये आ गई कुछ डिफरेंट तरीके के पहाड़। हाँ ये देखो कितनी बर्फ है, कितनी। ये देखो क्या स्ट्रक्चर बने हुए हैं, कुदरत के नज़ारे हैं यार। ये देखो ना, बहुत ही ज़बरदस्त। हालांकि पहाड़, ओहो पत्थर गिरा। पत्थर गिर रहे हैं यहाँ से, देखा आपने? फटाफट यहाँ से निकल जाए। एक्चुअली ऊपर से पत्थर गिरते हैं यहाँ पर। अभी एक गोली की तरह उड़ता हुआ आया था ऊपर से। यहाँ तो ठंड में भी इनकी हिम्मत है जो काम कर रहे हैं। यार सैल्यूट बनता है, सैल्यूट। बाय बाय। यहाँ कितनी बर्फ है, कीचड़ ही कीचड़ है। ये देखो, ओ माय गॉड। ओ हो हो, ओ गई 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 गई, बच गई बच गई बच गई। ओहो ये तो सीन ही खतरनाक है यार, बहुत ही ज़्यादा। ओ हो, इट्स नॉट गुड एट ऑल। ये देखो नहीं जा रही, नहीं जा रही, पीछे जा रही है बाइक। आगे नहीं आ रही, नहीं आ रही, अटक गई। और यहाँ पर रिस्क नहीं लेता था क्योंकि साइड में ही खाई है, तो अगर धक्का चाहिए भाई साहब, धक्का। ओ गई, ओ गई 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 गई। नहीं हो रहा, नहीं निकल रही, बिल्कुल भी नहीं निकल रही, फंसी गई है। मेरे ऊपर पानी मारेगा तू? नहीं नहीं, थोड़ा हल्का सा पन्ना, पानी नहीं आएगा, बर्फ बर्फ है खाली, हल्का सा धक्का दे। नहीं जा रही फिर क्या? तुम उतरने दे, मैं धक्का मारता हूँ, तू बैठ। क्या हो गया? अबे तो अंदर घुस गया। रुक जा, पीछे रहनी पड़ेगी लग रहा है। अबे जाएगी जाएगी, रुक जा, चल। फक, बर्फ आ रही है सीधी। ये देखो निकल तो गई। तो देख रहे हो भाई लोगों क्या एडवेंचर हो रहा है। जैसा सीन है ना, इसका मोशन मत तोड़, मोशन तोड़ा ना। वो मुझे मालूम है, मेरे पैर नहीं पहुंच रहे ना वहाँ पे बिल्कुल भी। जब पिछली बार तुम मोड़ी थी ना, वो पीछे लेके गए तो भाई साहब सांस चढ़ रहा है, सांस चढ़ रहा है। उधर मुझे डर था ना खाई का, अगर जिस बार वो बर्फ गई, बर्फ गई सीधी पानी में। ये गया। पूरा का पूरा जमा पड़ा है। फोटो लेनी है यहाँ पे, फोटो। आगे से आगे से आगे से। बाइक छोड़ के जाना पड़ेगा। कैसे जाएगा? तेरी भी तो लूंगा ना फिर, समझा? अरे अरे भाई 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 आराम आराम से, आराम से, क्या कर रहे हो तुम? आराम से आराम से, क्या हो रहा है? यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ हाँ चल, गिर गई भाई 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 भाई, गिर गई गिर गई गिर गई, फिसल गई। वेट 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 वेट, तरीका घेर है। हाँ हाँ चल चल, खींच, आजा आराम से। पहले उधर ले ले, उधर ले ले, उधर ले ले, उधर ले ले ना, यहाँ से आएगी नहीं। लगेगा, देख रहे हो क्या क्या सीन हो रहा है। चलो जी, फिर दोबारा धीरे धीरे चलते, मतलब ऐसे ही चल रहा है, फिर चलते हुए बिल्कुल स्लाइड हो रही है बाइक। तो यहाँ देखो भाई कितनी बर्फ है। निकल गए, ओ गई 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 गई। चलो जी, ओ गई एक बार और। भाई साहब ये तो सीन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। पैर में बावटा आ गया। आ पूरी ली बनी पड़ी है। सिचलिंग पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर पियेंगे एक कप चाय, फिर निकलेंगे आगे। अगर चाय मिल जाती है तो यहीं पर चाय पियेंगे। बहुत ज़्यादा सांस फूल गया है, ये देखो। भाई साहब सिचलिंग, एक छोटा सा गांव जो कि स्पीति में है। इतनी बर्फ में कौन आता है वो भी बाइक लेके, नहीं? यहाँ पे चाय वाय का जुगाड़ हो जाए तो ज़्यादा बेटर है कहीं, लेकिन सब कुछ बंद पड़ा है, सब कुछ। ये देखो कुछ भी खुला नहीं है यहाँ। मैंने सोचा था कि चाय वाय पी लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है। यहाँ लगता है कि बीआरओ कुछ वर्क नहीं कर रही है। अगर यहाँ पर डोजर एक बार चला दिया जाए तो सारी बर्फ हट सकती है रोड से, लेकिन कोई भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। और ये जो रास्ता है राइट हैंड साइड पर, सीधा आपको ढनकार विलेज लेके जाएगा। ढनकार मोनेस्ट्री बहुत ब्यूटीफुल है यार, लेकिन जा नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट तो यहीं पर लग रहा है हमारा। तो आगे का तो भूल ही जाओ, यहाँ पे तो चाय वाय कुछ भी मिल ही नहीं रहा है। हट के चार हो गई, 4 5 6 7 8 सब हो गई है। आई होप कि आगे ज़्यादा बर्फ ना मिले, हे भगवान। ये देखो नज़ारे, देखो क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। इट्स रियली टफ मैन, इट्स रियली टफ। बहुत ज़्यादा हार्ड है, हार्ड, बहुत ही हार्ड, बहुत ही हार्ड। चलो जी, जहाँ तक नज़र आ रही है स्नो ही स्नो नज़र आ रही है हमें। और करीब करीब 3 से 4 घंटे हमें हो चुके हैं बर्फ़ में बाइक चलाते हुए, दौड़ाते हुए। दौड़ा तो खैर नहीं रहे, एक्चुअली स्लाइड ज़्यादा हो रही है। 2 बार मैं गिर चुका हूँ, बाइक कंट्रोल नहीं हो रही है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। काज़ा यहाँ से 22 किलोमीटर रह गया है, 4 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं हमें ताबो से निकले हुए। ये तो डिसीज़न अच्छा रहा कि रात को हम नहीं निकले वहाँ से, अगर वहाँ से रात को निकल जाते तो हमारी वाट लग जाती। चलो निकलते हैं आगे की तरफ। और नज़ारे जो हैं बहुत ही खूबसूरत हैं यहाँ के। अच्छा खासा दिन निकला हुआ है, लेकिन कंडीशंस बहुत ज़्यादा टफ़ है, बहुत ज़्यादा, और इनको फेस करना बहुत मुश्किल लग रहा है। सांस फूल रही है, बॉडी जवाब दे रही है, लेकिन फिर भी बढ़े जा रहे हैं। क्या करें, जाना तो है, काज़ा पहुँचना है आज हमें। फिर काज़ा में जाकर देखते हैं क्या सीन होगा आगे जाने का। कोशिश करेंगे किब्बर और काई देखने की, लेकिन अगर ऐसा ही गंदे वाला सीन होता है आगे तो डिसाइड करेंगे वहीं पर बैठकर। लेट्स मूव ऑन, फटाफट आगे बढ़ते हैं। बाकी बाइक सीरी मस्त चल रही है अभी तक, और सांस फूल रहा, अब नहीं बोला जा रहा। अब मिलेंगे सीधा व्लॉगिंग वाले कैमरे में। भाई साहब यहाँ से निकालना तो आफत है। तो गाइज़ यहाँ पर जो टायर्स हमारे बहुत ज़्यादा स्किड कर रहे हैं, तो नायलॉन रोप से हमने जो कैरी करी थी, मेरे ख्याल से कंडा घाट से ली थी हमने, तो इसको लगाते हैं और देखते हैं इसका क्या रेस्पॉन्स है, क्या नहीं है, अगर ग्रिप करती है कि नहीं। कर दो बंद, चले थोड़ा, मैं भी तो बनाऊँगा। ये बाबा मुस्तांग लगे हैं यहाँ पे जोड़ी बांधने। अब बस इतनी बहुत है भाई, मेरे को नहीं लगता इतनी बहुत है। थोड़ी सी मदद करने के लिए आए हैं, और यहाँ पर रस्सी बांध रहे हैं हम। थोड़ा सा गैप में बांधेंगे तो सही रहेगा ना, नहीं ज़्यादा कम ना पड़ जाए, है ना। हाँ, कम नहीं पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा। वैसे रस्सी तो और भी है। हाँ बहुत है रस्सी तो सीन ही बहुत गजब के हो रहे हैं यहाँ पर। और ज़्यादा आगे आइस है, तो ये भाई लोग काफ़ी हेल्प कर रहे हैं बांधने में। ये देखिए ऑलमोस्ट जो रस्सी है सारी बांध चुके हम, और अमित भी बांधने जा रहा है अभी। लेट्स सी इसका क्या रेस्पॉन्स होता है। ओहो पैर घुस गए, देखो पूरा ही घुस गया। टायर्स में हमने नायलो रोप बांधी है, देखते हैं कहाँ तक चलेगी। बाकी ट्रैक्शन ठीक ठाक मिल रहा है इनको बांधने के बाद। ये देखो भाई साहब नज़ारे ही अलग हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंडीशंस टफ़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा टफ़। गई फक, हाँ भाई साहब मुझे सांस लेने दे। जगह नहीं उधर। सरक रही है तो पीछे दे। बालों की, बॉडी की, मशीन की, सब की ऐसी तैसी हो गई है, वाट लगी पड़ी है। देखिए सीन आप देख सकते हैं, बहुत ही हार्ड है भाई, बहुत ही हार्ड। सो इट्स रियली रियली टफ मैन, वाट लग गई है। सो बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के बाद ही यहाँ तक पहुँचे। लेंथी टाइम हो चुका है, देख के बताते हैं यार, 4 बजने वाले। ओ माय गॉड, पूरा दिन हो गया है, अभी तक सिर्फ हम लिंगती पहुँचे हैं। हाँ, ऐसी तैसी हो गई है, अब तो फोटोग्राफ वगैरह कुछ भी लेने का मन नहीं कर रहा है, फटाफट पानी पीना है बस। चलो जय माता दी। विंटर लद्दाख में भी इतनी बर्फ़ नहीं देखी मैंने जितनी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सुबह मैंने पानी पिया था सिर्फ 1 गिलास और बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही है। यहाँ पर कोई भी गांव वगैरह नज़र नहीं आ रहा इस टाइम जहाँ से कि पानी पिया जाए। सिचलिंग एक गांव था, वहाँ पर कोई भी लोकल नज़र नहीं आया। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो थोड़ी सी बर्फ़ खाकर देखते हैं, अगर पानी की प्यास बुझ जाती है तो और क्या करें भाई, अब यही जुगाड़ है, एक्सट्रीम कंडीशंस है, तो मैन इन द वाइल्ड ये सीन हो रहा है। खाइए थूकी है, अबे खाइए मुंह में जाके। एक्चुअली मैं पिघला रहा हूँ इसको, पहले मैं मुंह में डाल रहा हूँ बर्फ़ को, थोड़ी गर्म होती है, पिघलती है, पानी बनता है थोड़ा सा, फिर अंदर जा रहा है और खाते हैं थोड़ी सी, क्या करें अब यही सहारा है। और यही पानी सीधा नदियों में जाता है जो आप पीते हैं, और मैं इन द फॉर्म ऑफ स्नो सीधी खा रहा हूँ इसको अभी, और इनटेक ले रहा हूँ वाटर का, H2O। हाँ एक बार ऐसे, नहीं एक बार एक मजाक करते रहते हो। वो ग्रेट कैच। सुबह से शाम हो चुकी है, 5 बज चुके हैं और ऐसे चल रहे हैं जैसे कि हम ट्रैकिंग कर रहे हो, मतलब इतनी स्लो, इतनी स्लो में तो ट्रैकिंग वाला भी पहुंच जाए पहले, पूरे दिन चल के जाए। तो यहाँ से काजा रह गया है 13 किलोमीटर और अमित आगे जा चुका है क्योंकि उसकी बाइक में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो उसको तेज़ी से भगा के लेके जानी पड़ी, बार बार उसकी बाइक बंद हो जा रही है। नेक्स्ट लेवल वाला ही एडवेंचर हो गया ये तो, इतनी बर्फ़ मतलब कि सदियों में नहीं देखी मैंने। और जूते वूते सब गीले भाई साहब, जाते ही सबसे पहले तो गर्म करना है पैरों को, नीले ना पड़ गए हो बस ये बात है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। क्या करा जाए समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं कर सकते। हाफ क्लच पे चल रही है बाइक और कुछ नहीं है, मेरे को तो क्लच का डर लग रहा है कि क्लच कहीं चला ना जाए, क्योंकि पूरा क्लच छोड़ता हूँ तो बहुत ही तेज़ जा रही है बाइक। ये देखो बंद ही हो जाती है क्लच छोड़ते ही। क्या शॉट लेंगे यहाँ, कोई शॉट वॉट नहीं चल रहा, सिर्फ GoPro चल रहा है अभी। देखो चारों तरफ का नज़ारा, मैं तो खैर देख नहीं सकता इधर उधर, आप ही एंजॉय करो अभी। अभी तो हमारी, अरे चल बेटा, पैर भी मुड़ रहा है, बहुत ज़्यादा क्रैम्प आ रहे हैं। 13 किलोमीटर है अभी भी, 12-13, और शाम के 6 बजने वाले हैं। ओह हट गई है। हाँ ठीक है, ठीक हाथ मुड़ गया। रुक जा यार, छोड़ दे छोड़ दे। रुक जा, हाथ मुड़ गया। सो गाइस राइट नाउ हम पहुंच चुके हैं काजा में। हमारी जो बाइक्स हैं वो हमने छोड़ दी हैं 12 किलोमीटर पहले, क्योंकि अमित की जो बाइक थी उसका इलेक्ट्रिकल फेल हो गया बिल्कुल। वहां पर सब कुछ जम गया यार, हालत इतनी बुरी हो गई थी ना, मतलब कि बाइक छोड़नी पड़ी हमें। बाकी दो भाई मिले हैं यहाँ पर, क्या नाम है आपका? रॉबिन। रॉबिन एंड उत्तम। उत्तम तो ये भी बाइक से आए हैं, और इन्होंने अपनी बाइक जहाँ पर मैंने पानी पिया था लिंगटी में, तो वहाँ पर छोड़ के आए हैं। वहाँ से फिर किस चीज़ में आए? ट्रक में आए हैं। यार आज तो मेरी भी सहन शक्ति ना जवाब दे गई थी यार। मैं गिरा हूँ, मतलब पहले नारकंडा वाला सीन हुआ, पैर में लगी मोच लगी, उसको मैंने 2 दिन झेला। फिर उसके बाद यहाँ पर आज 3-4 बार गिरा, फिर भी चलाए जा रहे थे। जो एक शेर है ना कि कहते हैं गिरते हैं शेर मैदान जंग में, जो उठ के खड़ा ना हुआ वो ऐसी कुछ एक शेर था, बाकी मैं भूल गया हूँ क्या था यार। कि हम रुके हैं पलजोर भाई के होमस्टे में, बोरे भाई तो, और ये इनके क्यूट से बच्चे ही है ना तो क्यूट से बच्चे हैं, और ये जो लड़की है इसका क्या नाम है? पलजुम। ओके हेलो पलजुम। बस अभी खाने में मस्त है, है ना? ये देखो मस्त। तो बाकी अभी हम डिनर में कर रहे हैं राजमा चावल, जो कि मेरे फेवरेट हैं, और क्या है बैगन का भरता। वाओ। तो चलिए आज का जो व्लॉग है आपको पसंद आया ही होगा यार। ऑब्वियसली बात है एडवेंचर इतना हुआ है कि सब पहले ड्रोन शॉट तो है ही नहीं। आज के वीडियो में हुआ क्या कि यहाँ पर सीन ऐसा है कि पूरे के पूरे स्पिति में आप ड्रोन शॉट नहीं उड़ा सकते। रिसेंटली में ये कोई कानून लागू हुआ है या कुछ सीन हुआ है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का है, तो उसके बाद यहाँ पर हर जगह, हर होम स्टे में, हर होटल में पर्चे लगे हुए हैं कि कोई भी आप सैटेलाइट फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, और उसके अलावा क्या था ड्रोन शॉट्स, ड्रोन आप उड़ा नहीं सकते। देखते हैं, अगर कोशिश करते हैं, कल एसडीएम के ऑफिस जाकर परमिशन मिल जाती है तो कोशिश करेंगे उड़ाने की और आपको दिखाएंगे। तो यारों इस एडवेंचर के लिए एक लाइक तो बनता है ना, कर दो वीडियो को लाइक और फैला दो अपने भाई के इस काम को, ठीक है? तो चलो आज का जो व्लॉग है एंड करते हैं इसी अच्छे नोट पर कि ज़्यादा चोट वगैरह नहीं आई और सेफली हम पहुंच गए हैं यहाँ पर काजा में। बाकी 12 किलोमीटर थे वो हमारे कार के अंदर। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइट सेफ, जय हिंद एंड सायोनारा। तो ये भाई लोग भी थोड़ा सा गिरे हैं, ये देखिए ये मुड़ गया है, ये ब्रेक लीवर मुड़ गया, ये टूट गया है, ओ तेरी ये भी टूट गया, शिफ्टर पूरा। हो ये देखो यार, तुम चला कैसे रहे हो? सीन देखिए कितना गंदा है यहाँ पर। दोनों बाइक्स के जो टायर्स हैं वो जाम हो चुके हैं, देखिए ये देखिए। ओ माय गॉड। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर हमने बाइक खड़ी करी थी, तो देखिए वहाँ पर रात को छोड़ी थी परसों, और ये रहा ट्रक जिसमें कि हम आए हैं, और इसी ट्रक में हम लोड करने वाले अपनी ये दोनों बाइक्स, क्योंकि एक बाइक ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है जो कि बिल्कुल भी चल नहीं सकती। पानी बिल्कुल जमा पड़ा है, हालत ख़राब हो गई है अब इसको कैसे पिया जाए? तोड़ के पिया जाए, पिघला के पिया जाए, बाकी तो डीजल डिफ्रीज़ कर रहे हैं यहाँ पर, वो देखिए हालात आप देख सकते हैं इस बॉटल को देखकर कि डीज़ल कैसे फ्रीज हुआ होगा। This is Kaza! Lovely man, lovely. मज़ा आ गया।